देखते हैं इस किडनैपिंग ड्रामे का दूसरा और आखिरी भाग। वर्मा सर, अक्षय के साथ साथ सुधीर की फैमिली की भी हिस्ट्री निकालो। यस सर। मैं आपसे कितनी बार कहूं सुधीर, वो अक्षय नहीं था। आरती, हमारे यहां आने के बाद अक्षय कभी यहां आया था? क्या कहा आपने? नहीं, आपको मुझ पर भरोसा नहीं? आरती, तुम कुछ और कह रही हो, पुलिस कुछ और कह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी मुसीबत में। सुधीर, प्रिया मेरी भी बेटी है। हाँ सुधीर साहब काफी अच्छे आदमी हैं, 2 साल काम किया मैंने उनकी दुकान पे। लेकिन तू ये इंटरव्यू क्यों ले रहा है मेरी? अबे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, उनकी बेटी को कोई उठा ले गया ना? हाँ यार, बड़ी प्यारी बच्ची थी, एक दो बार मिला उसको दुकान पे, लेकिन वही ना बेचारी की किस्मत ही खराब थी। पहले माँ को खो दिया, अब बेचारी खुद ही। माँ को खो दिया? और नहीं सलीम पाई, आरती उसकी माँ तो जिंदा है ना? अरे नहीं नहीं मैं उसकी छवि माँ की बात कर रहा हूँ, उसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही गुजर गई थी। मतलब उसके बाद तो सुधीर साहब काफ़ी टूट ही गए थे। सॉरी जी, मैं अपनी जिम्मेदारी अधूरी छोड़कर जा रही हूं, पर मुझे पता है आप प्रिया का अच्छे से ख्याल रखेंगे। प्रिया का ख्याल तुझे ही रखना है, कुछ नहीं होगा तुझे, बस तू आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया की अच्छे से देखभाल हो, आप मेरी एक बात मानोगे, आप दूसरी शादी कर लेना, मेरा भी मिल जाएगा और प्रिया को मां, आप दोनों खुश रहो। और मुझे क्या चाहिए? विश्वास सिंह जी, अक्षय गुप्ता कहाँ है? जी वो अक्षय ने बच्ची ने अगवा किया है? नहीं साहब, कुछ नहीं जानता इस बारे में। अक्षय का फोन स्विच ऑफ होने से पहले आखिरी कॉल उसने तुझे किया था? हाँ, मेरी बात भी हुई थी और मैं मिला भी था उससे। कब मिला था? परसों शाम मेरे घर आया था। क्यों? पिछले महीने मैंने कुछ पैसे लिए थे उससे उधार, वही मांगने आया था। विश्वास। हाँ यार, मुझे मेरे पैसे चाहिए यार, बहुत इमरजेंसी है। यार मुझे भी तो इमरजेंसी थी, तभी तो मांगे थे तेरे से। और मुझे ठंड रख यार, लौटा दूंगा तुझे। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ? मुझे पता है तू कहीं नहीं भागा जा रहा है, पर मुझे जाना है यहाँ से यार। जाना है कितने? मुझे नहीं पता, बस भटिंडा छोड़ के कहीं भी जाना है। कहाँ जा रहा था वो? मैंने भी कई बार पूछा था पर बताया नहीं उसने मुझे, सच कह रहा हूँ साहब। तुझे क्या लगता है, कहीं फरीदाबाद तो नहीं लौट गया? शायद फरीदाबाद लौट सकता है, क्योंकि पिछले महीने नौकरी भी छोड़ दी थी उसने और तो पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में, पर ऐसा कुछ करेगा ये तो मैं भी नहीं सोच सकता था साहब। सर, सुधीर के पास भी अक्षय का फरीदाबाद का एड्रेस नहीं है, सिर्फ जुबानी समझौता हुआ था, प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बना ही नहीं था। वर्मा, इस केस में मुझे एक बात बहुत अटपटी लग रही है, किडनैपर को सिर्फ 2 लोगों ने देखा, बलविंदर और आरती। बलविंदर दावे के साथ कहता है कि वो अक्षय ही था,
लेकिन आरती कहती है कि वो अक्षय हो ही नहीं सकता। सर, 2 महीने पहले अक्षय उनका घर खाली करता है और कुछ दिनों बाद रजाबाद फैमिली भी उस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाती है। मुझे नहीं लगता है सर कि अक्षय और रजाबाद फैमिली के बीच सिर्फ एक किराएदार और मकान मालिक का रिश्ता था। कोई बात तो हुई होगी जिसको लेकर सब खामोश हैं। लेकिन एक बात तो तय है वर्मा, ये किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं हुई है। साहब, अटपटा क्या है ये तो अब तक पता नहीं चल पाया है, पर एक बात मालूम पड़ी है, ये आरती और सुधीर की ना दोनों की दूसरी शादी है। प्रिया किसकी बेटी है, आरती की या सुधीर की? साहब, आरती निशा की सगी माँ है और प्रिया की सुतेली, और सुधीर प्रिया का सगा बाप है और निशा का सुतेला। निशा सुधीर की सगी बेटी नहीं है? कहीं है कोई प्रॉपर्टी का मामला तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती ने निशा को इकलौता वारिस बनाने के लिए प्रिया को गायब करवाया हो? साहब, ऐसी कोई बात तो अभी सामने नहीं आई है, पर मेरी सर्चिंग चालू है। परमिंदर, इस अक्षय का ठिकाना ढूंढो बहुत जल्दी, वो जरूर शामिल है इस केस में। पुलिस को कुछ पता चला प्रिया के बारे में? पुलिस वालों का कहना है कि प्रिया को अक्षय उठा के ले गया है। अक्षय, वो आपका किराएदार? पर पुत्र, तू तो कह रही थी तूने उस बाइक वाले को पहले कभी देखा ही नहीं था। जितना मुझे ध्यान है वो अक्षय नहीं था, कोई और था पापा जी। पर अक्षय ऐसा क्यों करेगा, वो तो किराएदार था ना आपका। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अतीत के पिटारे में छुपा एक सच सामने आया था कि आरती प्रिया की सगी मां नहीं थी। सुधीर की पहली पत्नी और प्रिया की सगी मां प्रिया के पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद गुजर गई थी। अपने अपने हमसफर को बीच रास्ते में खो चुके आरती और सुधीर 4 साल पहले शादी के बंधन में बंधे थे और दोनों को उनके परिवार वालों ने ही मिलवाया था। तुमने तो मेरे दिल की गल कह दी थी सुजाता, मैं रोज वाहे गुरु से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आरती पुत्र दा कार फिर से बस जाए। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे सुधीर प्राजी अकेले ना रहे, प्रिया भी छोटी है। जैसा तुमने कहा है, अगर वो सच हो जाए तो मेरी आरती पुत्र और तुम्हारे भाई सुधीर का घर फिर से बस जाएगा। मैं भी सुधीर प्राजी नाल गल कर दिया, आप भी ना आरती में पूछ लो। आरती पुत्र, तेरी उम्र ही क्या है, 30 साल भी पूरे नहीं किए, अगे सारी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने। पुत्र, निशा के बारे में सोच, अगर तेरे और निशा का ख्याल रखने वाला कोई मिल जाए तो इसमें बुरा ही क्या है पुत्र। बस सिर्फ एक बारी सुधीर नू मिल ले, आगे तेरा फैसला। आरती मान गई? हाँ, तेरी बीजी ने मना लिया। और पापा जी, वो बात बताना जरूरी है क्या? अगर वो बात बता दी, बात बनना तो दूर शुरू ही नहीं हो पाएगी। तो पापा जी ऐसा करते हैं, रहने देते हैं उस बात को, खामोश रहते हैं। रंजीते ठीक ही कहते हैं, की जरूरत है वो सब बातें करने की। और अगर कल शादी के बाद किसी और से पता चला तो वो यही सोचेंगे हमने धोखा दिया उन्हें। तो कल का सोच के बेटी का आज खराब करोगे, तुसी ऐसे ही सोचते रहोगे ते हो चुका बेटी दा व्याह। मेरी अलका भाभी प्रिया के जन्म के कुछ दिन बाद गुजर गई थी। आरती ने शादी के 7 साल बाद ही अपने पति को खो दिया, समरजीत नाम था उसका। कार एक्सीडेंट हुआ था उनका और वहीं उनकी मौत हो गई। अमृतसर के चौक पुलिस थाने में पूरी जानकारी मिलेगी आपको, वहीं दर्ज हुआ था मामला। मामला प्रिया से ताल्लुक रखता है? नहीं साहब, उसकी सौतेली मां आरती से। सर, मैंने अपना पति खोया है, मेरी 5 साल की बेटी है और आप लोग मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं।
मैं नहीं जानती सर उस ट्रक वाले को, मुझे नहीं पता उसने मेरे पति पे ट्रक क्यों चढ़ाया। लेकिन आपके सास ससुर का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, शायद मर्डर था जो आपने करवाया। मैं सर, वो मेरे पुत्र के साथ खुश नहीं थी, उसका किसी चीज से जी नहीं भरता था साहब, मांगे खत्म ही नहीं होती थी उसकी, रोज झगड़े होते थे दोनों में, तंग आ गया था जी मेरा पुत्र उससे। हमने लड़की पसंद करने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको हम पे यकीन नहीं ना, तो आप उसके भाई से ही पूछ लीजिए, वो खुद कितनी बार आया था दोनों में सुलह कराने। उस दिन भी वो जिद करके बैठी थी बाहर जाने के लिए, मेरा पुत्र थका मांदा घर आया था, पर उसकी जिद के आगे वो उसे हार मान कर बाहर लेकर गया था। उसके बाद मेरा पुत्र लौट के घर नहीं आया साहब, और मुझे पूरा यकीन है ये सब आरती ने ही करवाया है, उसी ने मार डाला मेरे पुत्र को। पूरी तैयारी की थी उसने मेरे पुत्र को खत्म करने की। साहब आज 3 दिन हो गए, मेरी बेटी की कोई खबर मिली? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सुधीर जी, अक्षय फरार है, उसका फोन सर्विलेंस पर रखा है हमने, फरीदाबाद पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। सर आप जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो फिर मेरी बेटी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आप बेजुबान हैं और हमें बता नहीं रहे कि आपके और अक्षय के बीच आखिर रंजिश क्या थी। सर मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अक्षय के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने उसे कमरा खाली करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि हम लोग नए घर में शिफ्ट करने वाले थे। और शिफ्ट होने के 2 महीने बाद आपकी बेटी किडनैप हो गई, और उसी दिन अक्षय को बाइक पर प्रिया के साथ देखा गया था। अब उसका फोन बंद है, फिरौती के लिए भी आपको कोई फोन नहीं आया। सुधीर जी क्या आपको अभी नहीं लगता कि अक्षय ये सब कुछ आपसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कर रहा है? मुझे नहीं पता साहब, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी 6 साल की बेटी अगवा हुई है और वो मिल नहीं रही है। प्लीज प्लीज आप उसे ढूंढिए। सर अमृतसर की चौक पुलिस ने आरती को 6 महीने जेल में रखा था, उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से उसे रिहा कर दिया गया। पर सर समरजीत के माँ बाप इस बात से खुश नहीं थे, उन्होंने फिर से इंक्वायरी की मांग की। लेकिन दूसरी इंक्वायरी के बाद भी यही कहा गया कि वो एक्सीडेंटल डेथ का ही केस था। सर उस केस में भी आरती पर शक था, पर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हो सकता है इस केस में भी ऐसा ही हो। अब ये तो प्रिया के मिलने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस की कोशिश जारी थी, लेकिन अक्षय अब तक उनकी पहुंच से दूर था और प्रिया भी। सवाल अब भी वही था कि इस किडनैपिंग का मकसद क्या था, किसने ये प्लानिंग की थी और क्या सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ था? जी मैं कुछ समझा नहीं। सुधीर जी 4 दिन हो गए हैं और हम आपकी बेटी को ढूंढ नहीं पाए। सर 4 दिन से मैं भी नहीं सोया हूँ, प्रिया दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है, निशा भी इस कदर सहम गई है कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, जैसे उसके मुंह में जबान ही ना हो। अब तक तो फिरौती के लिए कॉल आ जाना चाहिए था, पता नहीं इस अक्षय का प्लान क्या है। और दूसरी बात, अगर हम आरती जी की बात मान लें कि वो किडनैपर अक्षय नहीं था कोई और था, फिर तो ये केस और उलझ जाता है क्योंकि हम किडनैपर और उसके इरादे से बेखबर हैं। सुधीर जी अगर कुछ जानते हैं तो ऐसे बेजुबान मत बने रहिए, क्योंकि आपकी खामोशी किसी और को बचाए ना बचाए आपकी बेटी प्रिया की मुश्किलें जरूर बढ़ा देंगी। पापा आपसे एक बात कहूँ? बोल ना बेटा, क्या बात है? पापा वो अंकल है ना? कौन अंकल? अक्षय अंकल। कुछ कहा है क्या अक्षय अंकल ने? वो रोज घर पे आते हैं। बेटा अब वो हमारे किराएदार हैं, पेइंग गेस्ट, अब ऊपर वाला कमरा उनका है। जैसे पापा रात को घर पे काम से वापस आते हैं, वैसे ही वो भी काम से घर पर आते हैं, और रात का खाना भी तो हमारे साथ ही खाते हैं, मेरे साथ चाय भी पीते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है।
वो दोपहर में भी आते हैं जब आप घर पे नहीं होते हो। अच्छा बेटा आप कहना क्या चाहते हो, उन्होंने कुछ किया है आपके साथ? उस दिन मैं बीमार थी, स्कूल नहीं गई थी। मैं पानी पीने किचन में गई, तब मैंने कुछ आवाज सुनी। आवाज मम्मी के रूम से आ रही थी। तुम बहुत मस्ती करते हो, बच्चे सुन लेंगे, चुप रहा करो थोड़ा सा। कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा। वो अक्षय अंकल की आवाज थी। बेटा उन्हें घर पर कोई काम होगा इसीलिए आए होंगे, आप इस बारे में ज्यादा मत सोचो, सब ठीक है। निशा की बात को उस दिन मैंने नजरअंदाज कर दिया, पर एक हफ्ते बाद मेरी नजरों पे पड़ा पर्दा उठा। मैं उस दिन घर जल्दी आ गया था, निशा और प्रिया स्कूल में थे। तो छोड़ दो ना सुधीर को और चलो मेरे साथ। यहाँ क्या दिक्कत है, तुम जब चाहो तब आ सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हें कौन रोकता है? पर कितना कम वक्त मिलता है हमें यहाँ पर। गलत, कम वक्त मिलता है इसीलिए तो ज्यादा मजा आता है। एक एक पल कीमती लगता है। और वैसे भी कहते हैं ना प्यार का असली मजा छुप छुप कर रहता है। जब निशा ने मुझे बताया तो मैंने सोचा वो बच्ची है, कुछ गलत समझ बैठी है, पर जो उसे लगा वो सच था और ये सच अब मैं भी देख चुका था। अब भी और इसी वक्त अक्षय निकल जा मेरे घर से। सर जी अभी कहाँ जाऊंगा, एक दिन का टाइम दे दो। एक मिनट भी नहीं, अभी के अभी ना सामान उठाओ, निकल यहां से। बहुत मनाली रंगरेलियां, अब ये तमाशे करना बंद कर दे। मेरे भरोसे का हमारे बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं आया तुझे? बोल, जरा भी ख्याल नहीं आया तुझे? बच्चों की वजह से चुप हूं, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो। मैंने इस बारे में खामोश रहना ही बेहतर समझा, किसी को नहीं बताया, लेकिन आरती उसने मेरा गुस्सा प्रिया पर निकालना शुरू कर दिया। यह मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, सब देख रहा हूं मैं। तुम प्रिया के साथ कैसे पेश आती हो, तुम हाथ उठाती हो उस पे? अगर अब और ज्यादती की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, तलाक दे दूंगा तुम्हें। दे दो ना, सुनो, दे दो। तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी और निशा के खर्चे के पैसे देना और बड़े तलाक देने वाले। एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे, सिर्फ बदनामी मिलेगी। और ये मत सोचो इतनी आसानी से छोड़ दूंगा तुझे, अगर मैंने ये रिश्ता तोड़ा तो तेरा घमंड भी तोड़ूंगा, तेरी इस काली करतूत के बारे में सबको बताऊंगा जाके मैं। और ये मत भूलियो कि तुझे रंगरेलियां मनाते हुए सबसे पहले तेरी अपनी बेटी ने देखा है, और एक किस मुंह से उसे कोर्ट में झूठा साबित करेगी तू, बोल हैं? कहां देखा? यही है बठिंडा बस डिपो पे। ठीक,
हाथ से जाना नहीं चाहिए। जोगी नजर रखे हुए सर। क्या अब भी आपको मुझ पे शक है? नहीं शक नहीं है, मैं सिर्फ तू सच बताना आरती, क्या अब भी तुम्हें मुझसे कोई नाराजगी है? नहीं बिल्कुल नहीं, और जो कुछ भी हुआ था उसे मैं बहुत पीछे छोड़कर आ गई हूं। मैंने जो किया था सुधीर, मुझे अब भी उस बात का बहुत पछतावा है। सुधीर समझ नहीं आ रहा मैं अपने किए की माफी कैसे मांगू। भूल नहीं, पाप हुआ है मुझसे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बह गई थी मैं। तुमसे झूठ नहीं कहूंगी सुधीर, अक्षय अक्सर मुझे देखा करता था, मुझे भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। पता ही नहीं चला मैं कब उसकी ओर खींची चली गई। क्या हुआ, मेरा छूना अच्छा नहीं लगा? मैं भी क्या पूछ रहा हूं, अगर मेरा छूना अच्छा नहीं लगा होता कब का पीछे हट जाती, या फिर मुझे धक्का दे दिया होता। तुम्हें भी इसी दिन का इंतजार था ना, कब मैं तुम्हारे पास आऊं, है ना? अक्षय वो मैं बताए मुझे शादीशुदा हो तुम, दो बच्चों की माँ हो पर बहुत खूबसूरत हो। मैं कब से इस दिन का ख्वाब देख रहा था, अब जाके पूरा हुआ है। अंदाजा था मुझे, पर आग इतनी भड़क रही है दोनों तरफ, मुझे नहीं पता था। गलती हो गई मुझसे सुधीर, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, भगवान जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। शर्म आनी चाहिए मुझे, मुझे माफ कर दीजिए सुधीर। आरती माफ कर दीजिए मुझे। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है इतना ही बहुत है। इस घर में मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए हमेशा जगह है। बस ही मान लो कि कुछ देर के लिए तुम घर से बाहर चली गई थी, पर अब घर वापस आ गई हो। अच्छी बात यह है कि हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। मैं जानती हूं सुधीर कि दाग मिट जाते पर उसका निशान हमेशा के लिए रह जाता है। जैसी पुलिस ने अक्षय का नाम लिया मुझे पता था कि उंगलियां मुझ पर भी उठेगी, और जो कुछ भी मैंने किया है उसके बाद मुझ पर विश्वास करना इतना आसान नहीं होगा आपको। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, उस दिन हमने तय किया था कि हम अपनी शादी अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे, इसलिए तो हमने वो घर छोड़ा। और मैंने देखा है कि तुमने यहां आकर हमारे रिश्ते को संवारने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी एक बार सोचने की कोशिश करो कि कहीं वो अक्षय तो नहीं था जो हमारी बेटी प्रिया को लेकर भागा था। मैं क्यों बचाऊंगी उस आदमी को, बताइए ना, मेरा विश्वास कीजिए।
सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता प्रिया कहाँ है सर। मैंने पूछा प्रिया के बारे में, मैंने पूछा प्रिया कहाँ है। चल बोल भी दे, पहलने वाला तो हूँ मैं तुझे, बोल। सर सर मैंने मैंने एक जगह पे छुपा के रखा है उसको। कहाँ, किसके पास? किसी के पास नहीं सर, एक खाली मकान है वहां पर छुपा के रखा है। चल अभी लेके चल, अगर सर लॉन्ड्री वाले बलविंदर ने खुद देखा था अक्षय को प्रिया को ले जाते हुए, वो झूठ क्यों बोलेगा, वो भी पुलिस के सामने। मुझे नहीं पता सुधीर, मैं सच कह रही हूं, प्रिया की कसम। पापा। हाँ बेटा। क्या बात है बेटा? पापा, वो अक्षय अंकल ही थे जो प्रिया को लेकर गए थे। मम्मी ने ही भेजा था प्रिया को अक्षय अंकल के साथ। हेलो प्रिया बेटा। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। प्रिया बेटा, पापा ने तुम्हें बुलाया है दुकान पर, इसलिए अक्षय अंकल तुम्हें लेने के लिए आए। चलो बाइक से जाएंगे। बिल्कुल बाइक से जाएंगे, बहुत मजा आएगा। निशा दीदी को भी लेके चल रहे, मैं अभी उसको बुलाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, पापा ने तुम्हें अकेले बुलाया, वो तुम्हें स्टडी टेबल चाहिए था ना बड़ा वाला, वो दिलाने के लिए। निशा दीदी अभी होमवर्क कर रही है, इसलिए तुम जाओ अंकल के साथ, बहुत मजा आएगा बाइक पे। चलो पापा के पास, बहुत मजा आएगा। चलो अक्षय अंकल थे ना, वो प्रिया को कहाँ लेकर जा रहे थे? चुप, ना खड़ी रहे। और एक बात याद रखना कि तूने कुछ नहीं देखा। खबरदार, अगर अपने बाप से चुगली करने की कोशिश की ना तो तेरी जबान खींच दूंगी, ऐसी जगह भेजूंगी कि दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आएगी। पापा, मम्मी मुझे रोज डराती थी, कहती थी अगर मैंने आपको बोला तो वो मुझे मार देंगी। मैं मार दूंगी तुझे। सुधीर, ये लड़की झूठ बोल रही है, किसी ने भड़काया इसे, इसकी बात पे विश्वास मत करना। क्यों झूठ बोल रही तू? पापा पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अक्षय अंकल 2-3 बार घर पे भी आए थे, मम्मा अभी भी उनसे बात करती है। सुधीर, ये झूठ बोल रही, तुम मार मार दो तुझे। सुधीर, मैं कह रही हूँ लड़की पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया इसका। हेलो सुधीर जी, अक्षय मिल गया है। प्रिया, प्रिया मिल गई? जी मिल गई, पर क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने अक्षय को पकड़ लिया। और प्रिया? कहाँ है? सर वो उस घर में। खोल। कहाँ है प्रिया? बेड के नीचे। बच्ची मर चुकी है सर।
निशा पुत्र क्यों है बेटा? नानी, मम्मी ने सब कुछ किया है। क्या? मम्मी ने ही किया है। बीजी, मैंने कुछ नहीं किया। जरूर इस लड़की को किसी ने कुछ खिला दिया। क्यों झूठ बोल रही बेटा? मैंने कुछ नहीं किया। जिम्मेदारी अधूरी छोड़कर जा रही हूं, पर मुझे पता है आप प्रिया का अच्छे से ख्याल रखेंगे। सुधीर जी, अक्षय प्रिया को उठा के नहीं ले गया था, उसे उसके साथ भेजा गया था, और वो अपनी मां के भरोसे चुपचाप उसके साथ चली गई बिना शोर मचाए, जैसा हमें बलविंदर ने कहा था। क्या मिला उसे मेरी बच्ची को मार के? पहले मारने का प्लान नहीं था, लेकिन बाद में प्लान बदल गया। हाँ, फिर एक मिनट। हाँ वो ठीक है, पर ये तो बता फोन कब करना है पैसों के लिए? अभी नहीं, यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। जैसे ही मैंने सुधीर को बताया, वो सीधे पुलिस स्टेशन चले गया कंप्लेन लिखवाने के लिए। अबे ये क्या हो गया? अरे तूने तो कहा था कि क्यों कहा था उसे छोड़ो और आगे क्या करना वो सोचो। अभी फिरौती मांगना रिस्की हो सकता है हमारे लिए। अगर किसी को पता चला ना कि प्रिया का किडनैप तुमने किया, तुम्हारे साथ चक मुझ पे भी जाएगा। अब पता तो चलेगा ही ना, निशा ने भी देखा था मुझे उसको ले जाते हुए, वो तो बोली देगी ना जाके। और ये उसकी चिंता नहीं है मुझे। तो मेरी चिंता है क्या? मैं क्या करूं? पैसे तो मिलने से रहे, भाग जाओ यहाँ से। पर इसका क्या करूं? प्रिया ने भी देखा है मुझे, क्या करूं उसका बता? यहाँ पर मैं सब संभालूंगी, लेकिन इस प्रिया का बंदोबस्त तुझे ही करना होगा। मतलब? मार दे उसे। आरती, हमारा प्लान सिर्फ पैसे ऐंठने का था, किसी को मारने का नहीं था। कोई रास्ता नहीं हमारे पास। अगर प्रिया वापस आई ना, तो उसकी किडनैपिंग के इल्जाम में तू जेल के अंदर होगा और मैं घर के बाहर। अक्षय अंकल, कितना टाइम हो गया? पापा कब आएंगे? स्टडी टेबल बहुत बड़ा होगा ना? हम लोग कहाँ से लेंगे? मैं उस पर डॉल भी रखूंगी और बहुत सारी चीज रखूंगी। जिस दिन अक्षय प्रिया को ले गया था, उसे उसी दिन मार दिया था। आरती ने किया ये सब, मैंने सच्चे दिल से उसे माफ किया था। मुझे लगा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए कभी आरती और अक्षय के रिश्ते के बारे में आपको नहीं बताया। मुझे लगा अक्षय मुझ पर गुस्सा था, इसीलिए उसने ये सब किया। अगर आरती, इतना जहर भरा हुआ था उसके अंदर। दोनों के दिमाग पर हवस हावी हो गई थी और उनके रिश्ते के बीच आप दीवार थे। कोई पछतावा नहीं था आरती को, सब नाटक था अपनी अयाशी को पूरा करने का। मेरी बच्ची झूठ बोली, उसे किसी ने सिखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ। बस, तुम अपना इल्जाम अक्षय के सर मरने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन सच नहीं बदलने वाला। और इस केस में अक्षय नहीं, निशा भी गवाह है।
और तुम्हारा वो दूसरा सेल फोन जो अक्षय ने तुम्हें दिया था वो भी ट्रेस हो गया है, जिस पर तुमने सारी प्लानिंग की थी। तुम्हारा पति बहुत भोला है आरती, उसे एक बार भी तुम पर शक नहीं हुआ। तुमने उसके साथ बेवफाई की, उसने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुमने दोबारा धोखा दिया उसे। मुझे उसके साथ नहीं रहना था, मैं उसे तलाक देने को भी तैयार थी, पर सुधीर मुझे पैसे नहीं देना चाहता था, इसी बहाने मुझे बांध कर रखना चाहता था, और मैं उससे छुटकारा पाना चाहती थी, मुझे अक्षय के साथ रहना था। तो चली जाती अक्षय के साथ, पर मुद्दे की बात यह है कि सुधीर के पैसे के बगैर तुम्हारी अयाशी कैसे पूरी होती। तुम्हें अक्षय का साथ और सुधीर का पैसा दोनों चाहिए थे, और तुम्हारे इसी लालच ने एक 6 साल की मासूम बच्चे की जान ले ली। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी सर, लेकिन सुधीर की सबसे बड़ी कमजोरी थी प्रिया। प्रिया के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, और मुझे प्रिया के जरिए ही वो सब कुछ मिल सकता था जो मैं चाहती थी। क्या मिला? सच तो ये है आरती कि तुमने उस बच्चे की जान ले ली जो तुम्हें अपनी मां समझती थी। ये खून अकेले अक्षय ने नहीं किया है, वो बेवकूफ तो तुम्हारे चक्कर में फंस गया, और तुम दोनों इंसानियत छोड़कर हैवानियत पे उतर आए। सुधीर जी, आपको शादी से पहले आरती के बारे में सब कुछ बताया गया था, मेरा मतलब है उसके पहले पति की मौत के बारे में। सुधीर पुत्र, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हमने तुमसे सच छुपाया, हम स्वार्थी हो गए थे। हम तुम्हारी हालत को समझते हैं, अब हम देखभाल करेंगे निशा की। निशा मेरी बेटी है, ये यही रहेगी अपने पापा के पास, मैं रखूंगा इसका ख्याल। मुझे आरती को अक्षय के साथ जाने देना चाहिए था, उसे पैसा तलाक जो भी चाहिए था मुझे दे देना चाहिए था, तो शायद मेरी प्रिया तो आज जिंदा होती। प्रिया को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा, ना आरती के किए को, पर निशा है मेरे साथ, निशा की परवरिश अब मेरा जिम्मा है, हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। अक्षय और आरती पर आईपीसी की धारा 365 के तहत अपहरण, धारा 302 के तहत हत्या और धारा 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र के चार्जेस लगाए गए हैं। सुधीर पूरी तरह से बिखर चुका था, निशा भी गहरे शौक में थी। इस छोटी सी उम्र में उसने जो देखा, जो सहा, उसे भुलाना आसान नहीं था। निशा ने अपनी माँ को उसके पिता को धोखा देते हुए और अपनी सौतेली बहन प्रिया को अपनी मां के प्रेमी के हाथों अगवा होते हुए देखा था। यहां तक कि निशा की जुबान पर ताला लगाने के लिए उसकी मां ने उसे काफी डराया धमकाया भी था। एक मां की बिल्कुल विपरीत और डरावनी छवि देखी थी उसने, लेकिन शुक्र है कि निशा अब एक संवेदनशील और जिम्मेदार पिता की देखरेख में महफूज है। शादी के रिश्ते से जुड़े दो लोगों में से अगर कोई एक अपनी खुशियां उस रिश्ते के बाहर तलाशता है, तो उस वक्त उस इंसान को इस बंधन से रिहा कर देना ही सही है, चाहे ऐसा करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ऐसे हालात में उस दूसरे इंसान को भी अपनी इच्छा, अपना इरादा खुले शब्दों में जाहिर कर देना चाहिए। किसी को दबाकर कुछ देर के लिए खामोश किया जा सकता है, लेकिन उस खामोशी के पीछे छुपे असंतोष को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसा करने से मजबूरी में बेजुबा बने इंसान के अंदर नफरत का लावा पनपने लगता है, और यह नफरत का लावा जिंदगी की खुशियों को ही नहीं बल्कि खुद जिंदगी को भी निगल जाता है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और चौंकाने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और याद रखें, खुद के कड़े आलोचक बनो और समय समय पर अपनी पीठ भी थपथपाते रहो। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.